नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी मैं पहुंच चुका हूं सकरा थाना क्षेत्र के सपाही शंकरपुर गांव में, जहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गई है और कहा जा रहा है कि भक्खों के चक्कर में लोगों को मार दिया गया है। कैसे मर गए हैं वो? मार के फेंक दिया है। कौन? पकड़ी के कात में। कौन मार के फेंक? गौरी भगत, उसको एगो बेटा आ एगो रजुआ आ एगो रथी लगना के बेटा आ एगो रजकिशोर बा के बेटा। पहले से कोई विवाद भी था क्या उसके साथ? हाँ, दुश्मन ही गाड़ी पर बक्कू पिला दिया, वो गाड़ी पर उसको मार के फेंक दिया नदी के कात में। कैसे आपको सूचना मिला? अरे बाप गया इस जन के आदमी कहने हमको जात लगता है, गया कहने जब बाप तोड़ बेटा तो बोलू मार का फेंक ले कात में। अरे बाप रे, आप उनके पत्नी हुए? कौन, क्या नाम हुआ पत्नी? चंदन लाल। कैसे मर गए? मर गए उनको हमको बारे में पता नहीं। हम उनको बोला कि समय एक घंटा में आ रहे हैं, तब हम कहे जब आएगा तो देखने गए तो नहीं आया था, तो हम फिर चली गए तो सब बोला कि इसे मार के बिक गया, तब हम देखे। कखनी पता चला कहाँ के? पता चला है 9-10 बजे, हमको 10 बजे पता चला था, 9 बजे से गायब है। अच्छा, आपके घर से कब निकले थे? निकले थे 9-8 बजे निकला था, तब फिर आया था, फिर कखनी कखनी निकल के गया था। अच्छा, कहाँ घर हुआ? अधवारा। अधवारा, क्या हुआ है भैया यहाँ पे? हम अभी आए सर। अभी आए हैं, क्या हुआ है आपको पता है? नहीं, कोई पता नहीं। आपको पता है भाई क्या हुआ है? आदमी मर गया है सर, पता है ना? नहीं सर, गाँव वाला थोड़ी बता सकता है, हमारा क्षेत्र में हुआ है। अच्छा, कहा नहीं, कैसे नहीं बता? कहाँ बता रहा है? अच्छा, हम लोग के गाँव कहाँ दोबारा हुआ? हाँ। मरवन पंचायत हुआ। अच्छा, तो कैसे बता देगा अपना गाँव के? सपाही के लोग ने बतलाया कि कितना बजे आया है, नहीं भी आया है वहाँ से। सपाही के लोग से दारू पिया करके मार दिया, कहा कि मार दे। आदमी मर गया यहाँ। दारू कहाँ मिलता है? कहाँ? राजू है यहाँ पर, वही बेच रहा है। दारू जो बेचवा रहे हैं भक्कू, वो उनका जमीन कैसे दिए हुए हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दारू बेचवा रहा है उसका जमीन सील होना चाहिए। आज खुल्लम बिक रहा है, कहाँ जमीन सील हो रहा है किसी का? ओ चचा नीतीश, अच्छा देखिए, दारू बिक रहा है और नशा के हालत में ये कारनामा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोग उसको जो आज डेथ किए हैं, वो उसको पहले दारू पिलाया गया और दारू पिलाने के बाद नदी में फेंक दिया गया, यहाँ तालाब ऊपर थे, मतलब पोखरी के कात में फेंक दिया गया और कहा जा रहा है कि मर गया। लोगों को सूचना हुआ कि यहाँ पे उनके पति का मौत हो गया है। भक्खो बेचने वाले भैया को कड़ी कड़ी सजा मिलना चाहिए। सकरा थाना की टीम यहाँ पे पहुँची, टीम पहुँचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या कुछ रिजल्ट आता है फिर से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला? आज दिनांक 12/23 को समय 1 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि सकरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव है, जिसके पोखर में एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई है। पुलिस बल द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया, तब तक ग्रामीणों के द्वारा बॉडी को पोखर के तट पे, पोखर और सड़क के किनारे लिटा दिया गया था। व्यक्ति का नाम चंदन कुमार है, पिता सिपाही राम, साकिन अधवारा, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर है। उनका शरीर जो है कीचड़ से लिटाया हुआ था। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के माध्यम से कि देसी शराब के प्रथम दृष्टिया व्यक्ति की मृत्यु जो है पानी में डूबने से प्रतीत होती है। हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। परिजनों से आवेदन की भी मांग की गई है। परिजनों के द्वारा आवेदन अगर किसी को एक्यूज बनाते हुए दिया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत दिया गया, बॉडी पे किसी के किसी प्रकार का मतलब एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं मिले हैं, तो मतलब अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी पुलिस कार्रवाई करेगी। हम लोग परिजनों से आवेदन की भी मांग किए हैं, अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन आते ही प्राथमिकी, मैं सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार पाल, SHO सकरा। अभी हमारे वार्ड नंबर 9 है, अधवारा गांव के एक निवासी चंदन कुमार राम थे, पिता उनके सिपाही राम थे। वो अभी लगभग 1 बजे के आसपास हमें फ़ोन आया कि एक आदमी पोखर में डूबा हुआ है, मतलब बॉडी है। तो फिर हमने पता करवाया वहां से, तो मालूम चला कि वो लोग तब फिर उसको निकलवाए थे, निकलवा के उसको रखे, तो मालूम चला डूबने से मतलब मौत हो गई है। अब किस कारण से हुआ है तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया है, बड़ा हुआ है, उनको जाँच पड़ताल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है? कुछ लोगों का कहना है कि नशा में था या फिर डूबने से मौत हुई, तो इसको अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो फिर अगर शराब के कारण हुआ हो या पोखर में डूबने के कारण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार फिर FIR करेंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे। हम लोग इसके लिए तत्पर है। अभी तरफ से नाम लिया जा रहा है, 4-5 आदमी। हाँ, हम भी आए थे, परिजन की तरफ से नाम लिया जा रहा है,
शायद बताया जा रहा है कुछ लोगों का नाम दिया गया था, लेकिन अभी उस पर पूरा क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर पता चला कि बात वास्तव में क्या है, वास्तव में लोग बता रहे हैं तो सही है या गलत है। पोस्टमार्टम को हम लोग अभी लेते हैं। हाँ, इधर का जो अभी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि नर्सरियों का थोड़ा सा आगमन ज़्यादा हो चुका है। प्रशासन को भी कहते हैं दस कितना बार छपा भी मराया गया है, प्रशासन आई थी लेकिन अभी तक वो फिर माहौल शांत हुआ था। फिर इधर से सुन रहे थे अभी आए थे तो लोगों ने बताया कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा पियक्कर का जमावड़ा लगा रहता है, एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है। बड़ा को बोले हैं गश्ती गाड़ी भेजेंगे और दोषियों पर कार्रवाई किया जाएंगे। और इस अभी चंदन कुमार का बड़ी का मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद हम लोग FIR। जी, मेरा नाम राहुल कुमार, मुखिया रामपुर वनी पंचायत।